तो हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे एप्लीकेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ डीसी मोटर, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कौन सा टाइप का मोटर कहाँ पर यूज हो रहा है। पहले देखिए एप्लीकेशन ऑफ स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ये यूज होता है मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क जहाँ पे मीडियम चाहिए वहाँ पे स्प्लिट फेस यूज होता है। तो ये इसका एप्लीकेशन जो है, देखिए फैन, ब्लोअर, वॉशिंग मशीन, मेनली इन तीन जगह पे यूज होता है स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, जो कि कैपेसिटर स्टार्ट है। ठीक है, इसमें जहाँ पे देखिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए हमको, जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए वहाँ पे यूज होता है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, जो कि डीसी मोटर में आप सीरीज ओल्ड डीसी मोटर के साथ कंपेयर कर सकते हो। इसका एप्लीकेशन देखिए, देखिए कॉम्प्रेसर्स, पम्प्स, एयर कंडीशन, कॉन्वेयर्स, तो ये सारे जगह पर है इंडक्शन मोटर का एप्लीकेशन, कंप्रेसर, पंप, एयर कंडीशन और कन्वेयर। एप्लीकेशन हो परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर का यूज होता है, देखिए जहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क हमको लो चाहिए, लो स्टार्टिंग टॉर्क के लिए ये मोटर यूज होता है। ये बेसिकली एप्लीकेशन इसका जो है, देखिए यूज्ड इन फैंस एंड ब्लोअर्स इन हीटर, हीटर में जो फैन एंड ब्लोअर रहता है उसमें यूज होता है, और एयर कंडीशन में जो फैन एंड ब्लोअर रहता है उसमें यूज होता है, और रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर में भी यूज होता है परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, और ऑफिशियल मशीनरी जो जितना रहता है उसमें भी यूज होता है परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, कैपेसिटर रन एंड स्टार्ट दोनों मोटर, इसमें भी फॉर हाई स्टार्टिंग टॉर्क और हाई रनिंग टॉर्क दोनों के लिए ये यूज होता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो ये इसका एप्लीकेशन भी देखिए कॉन्वेयर, कंप्रेसर और पंप में है। ठीक है, तो देखिए एसी मशीन का जो एप्लीकेशन है उतना ज़्यादा है नहीं, और उसका ज़्यादा इतना ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं है जितना डीसी मशीन में होता है, डीसी मोटर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेडेड पोल मोटर, तो फॉर वेरी पुअर टॉर्क, जहाँ पे टॉर्क पुअर चाहिए, कम चाहिए बहुत, वहाँ पे यूज होता है सेडेड पोल मोटर, जो कि यूज होता है स्मॉल फैन के लिए, कोई टॉयज, हेयर ड्रायर, फिल्म प्रोजेक्टर। ठीक है, तो ये जो था ये था सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के लिए जितना एप्लीकेशन है। अब देखेंगे थ्री फेस इंडक्शन मोटर में क्या क्या एप्लीकेशन है। देखिए जिसका ऑपरेशन टाइम हाई है बहुत, मतलब बहुत टाइम तक चलता है, ज़्यादा टाइम चलता है, वो उस जगह पे हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर का यूज करेंगे। जो होता है देखिए इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन, कूलिंग फैंस यूज टू कूल लार्ज मशीन लाइक अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर में जो कूलिंग फैन लगा होता है कूलिंग के लिए, तो वो होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, क्योंकि कूलिंग फैन हमेशा चलता रहता है, बहुत हाई ड्यूरेशन रहता है। चिमनी एट पावर प्लांट, पावर प्लांट में जो चिमनीज रहता है, ठीक है, उसमें भी यूज होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। और प्रिंटिंग मशीन, रोलिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन, रोलिंग मशीन सभी में यूज होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, जहाँ पे क्या होता है ऑपरेशन टाइम ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये था बेसिकली इंडक्शन मोटर का वेरियस जगह पर जो एप्लीकेशन है वो। नेक्स्ट वीडियो में देखिए हम लोग देखेंगे सिंक्रोनस मोटर का वेरियस जगह पर एप्लीकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो अगर आपको देखना है तो जरूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। तब तक के लिए चलिए, थैंक यू।